ओके, नमस्कार बच्चों। मैं दाबिल इंटर स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज बजट लाइन। ओके, जरा समझते हैं बजट लाइन के बारे में और उससे आगे के टॉपिक। ओके, हमारी बात होती है बजट लाइन एंड बजट सेट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। आज इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन रिप्रेजेंट द ऑल बंडल इन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, बजट लाइन वो लाइन होती है जो सभी बंडल में केवल दो गुड्स के लिए बनाई जाती है, विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज इंटायर इनकम। ठीक है, और कंज्यूमर अपनी एक फिक्स इनकम में उसको खरीदने की इच्छा रखता है, एंड द प्राइस ऑफ टू गुड्स, जिनके प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो यहाँ पे मेन बात आई है कि गुड्स दो होते हैं, कंज्यूमर की इनकम फिक्स होती है, ठीक है, और गुड्स के प्राइस भी दे रखे होते हैं। जब ये तीनों बात मिल जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। क्लियर? पर बजट सेट क्या होता है? बजट सेट इज द सेट ऑफ मंडल। इसके अंदर बहुत सारे मंडल आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के लिए सामने प्रस्तुत होते हैं कि वो किसी भी मात्रा में किसी भी चीज को खरीद सकता है। ओके, एंड कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड एनी मंडल आउटसाइड द बजट लाइन। ठीक है, और बजट लाइन के बाहर के लिए किसी भी मंडल को हम नहीं ले सकते। ये कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा एक कंज्यूमर है, वो 100 रुपये जो है वो खरीदता है, मतलब 100 रुपये उसकी इनकम है, सॉरी। ठीक है, अगर उसकी इनकम 100 रुपये है, तो यानी कि अगर मैं उसे कहता हूँ भाई दो चीज़ें खरीदनी है, ए खरीदनी है, एक बी खरीदनी है। ठीक है, जब वो ए और बी खरीद रहा है तो वो इन्हें खरीद सकता है इस तरीके से कुछ कि एक खरीद लेगा वो, मैंने कहा 60, ओके, और दूसरी खरीद रहा है वो 40। ठीक है, तो टोटल देखो, टोटल कितना, 100, अगेन 100। ओके, या फिर वो खरीद सकता था 20, 80, या 80 20। क्लियर? तो अब एक चीज ध्यान दोगे कि सबका टोटल 100 ही बन रहा है। ओके, और ये सब अलग अलग बंडल है। ठीक है, और इन बंडल का टोटल कितना है, 100। यानी कंज्यूमर अपनी इनकम से ज्यादा नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट लाइन की, और बजट लाइन इनकम पे बेस होती है। तो यानी कि यहाँ पे वो सभी कॉम्बिनेशन जिसपे कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च कर सकता है वो बजट सेट कहलाते हैं। और जब किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए कंज्यूमर एक लाइन ड्रॉ कर देता है उसे हम बजट लाइन कहते हैं। अब हमारी बात आती है कि जब उसने कंज्यूमर ने अपनी इनकम के आधार पर चुनने का फैसला करा है, तो यानी बजट लाइन ड्रॉ करेगा। तो बजट लाइन के लिए हमारी एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन समझें। इक्वेशन होती है PXX + PYY। ओके, यानी कि एक्स के लिए प्राइस और एक्स कमोडिटी, ओके, वाई के लिए प्राइस और वाई कमोडिटी इज इक्वल टू MM फॉर इनकम, कंज्यूमर की इनकम। यानी कॉम्बिनेशन चाहे कुछ भी हो, दोनों का सम उसकी इनकम के बराबर ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बजट लाइन। ओके, इसके साथ ही मैं बजट लाइन के इक्वेशन के साथ ही बजट सेट की इक्वेशन क्लियर कर दूँ। इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है। पी एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स को ए या बी भी मान सकते हैं, चलो मैं थोड़ा डिफरेंस करता हूँ, मैं इसे ए कर देता हूँ। ठीक है, प्लस पी, ओके, वाई फॉर ए इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल टू एम। ये होता है हमारा बजट सेट। ठीक है, जब बजट सेट की इक्वेशन आए तो ये, और बजट लाइन की इक्वेशन आए तो ये। क्लियर? और एग्जाम में ज़्यादातर बजट लाइन आता है, तो इक्वल टू डन। तो हमारी बात आती है कि हमने क्या जाना, हमने जाना कि व्हेन द पी एक्स इज द सो द प्राइस पर यूनिट ऑफ द गुड्स एक्स, यानी कि पी एक्स बता रहा है एक्स की प्राइस को, एंड पी वाई इज द सो पर यूनिट ऑफ द गुड वाई, यानी कि वाई के प्राइस को बता रहा है पी वाई। क्लियर? तो एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड एक्स एंड वाई इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड वाई। क्लियर? तो एम रिप्रेजेंट द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो यही मैंने बताया, ये इसकी प्राइस है, ये इसकी प्राइस है, और ये इसकी टोटल इनकम है कंज्यूमर की। अगर इसको ड्रॉ कर दिया जाए किसी ग्राफ पर तो उसे ही बजट लाइन कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम एक बजट लाइन देखते हैं। यहाँ पे देखें ये बीच वाली लाइन ए और बी। क्लियर? ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन कॉम्बिनेशन को बता रही है फ्रॉम गुड ए एंड फ्रॉम गुड वाई। क्लियर? गुड एक्स एंड गुड वाई के उन सभी कॉम्बिनेशंस को बता रही है जिसपे कंज्यूमर अपनी इनकम को फुल्ली एक्सपेंस कर रहा है। क्लियर? तो हमारी बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमारी बजट लाइन किस तरीके से बनती है। तो इसी के साथ हमारा एक टॉपिक और जुड़ जाता है कि बजट लाइन शिफ्ट कब करती है।
ठीक है। तो इसे भी हम समझ लेते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, ओके आप देख सकते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीज, ठीक है, तो द बंडल सॉरी द बजट शिफ्ट टूवर्ड द राइट, तो हमारी बजट लाइन आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? पर अगर हमारी इनकम कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है, ओके तो बजट लाइन पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। डन, तो शिफ्ट इन द लेफ्ट वर्ड। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। ओके तो हमने इतना तो समझ गए कि कंज्यूमर की प्राइस वो इनकम जब चेंज होती है तो बजट लाइन शिफ्ट होती है। पर हमारी बात आ जाती है कई बार हमारे सामने कंडीशन आ जाती है कि वो कहता है कि एक्स गुड के प्राइस बढ़ गए या वाई गुड के प्राइस बढ़ गए या एक्स के प्राइस घट गए या वाई के प्राइस घट गए, तब क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक सिचुएशन समझते हैं हम।